गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन. टुडे इन इंग्लिश लिटरेचर विल रीड अबाउट नेमिंग एंड टेलिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. व्हाट विल वी रीड? वी विल रीड नेमिंग एंड टेलिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज सेंटेंस. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है. A sentence is a group of words that has a meaning. Sentence क्या होता है? हमने तीन चार words लिए और उनको एक साथ एक line में लिख दिया, वो होता है sentence. But it should be meaningful. इसका कोई meaning होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया और वो बन गया sentence. वो तो wrong हो जाता है. अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल है, रिया इज़ रीडिंग अ बुक. रिया एक बुक पढ़ रही है. अगर मैं इसे बोलूँ रीडिंग रिया बुक, तो क्या वो सेंटेंस सही होगा? नो, दैट इज़ रॉन्ग. सो सेंटेंस लिखने के लिए हमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी होती हैं. व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस, व्हेन वी स्टार्ट ए सेंटेंस, देन फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल ऑलवेज. जो सबसे फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का, वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए. कैपिटल मीन्स ए, बी या सी. ऐसा नहीं है कि हम उसमें स्मॉल ए बना दें, स्मॉल बी बना दें या स्मॉल सी बना दें, तो वो रॉन्ग हो जाएगा. सो एंड द लास्ट ऑफ सेंटेंस वी शुड यूज़ फुल स्टॉप. और जब वो सेंटेंस कम्प्लीट हो जाए तो उसके बाद में हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए. क्या लगाना चाहिए? फुल स्टॉप, ये वाला. ऐसे फुल स्टॉप तो सबको पता है क्या होता है. ओके, सो अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ नेमिंग पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज नेमिंग पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज टेलिंग पार्ट. नेमिंग मीन्स नेम. अभी हमने नेमिंग वर्ड्स पढ़े थे, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स. सेंटेंस के जिस पार्ट में नाउन होता है उसे नेमिंग पार्ट कहते हैं. और नाउन के बाद जितने भी वर्ड्स उस सेंटेंस में लिखे होते हैं उसे टेलिंग पार्ट कहते हैं. लाइक जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सेंटेंस का, रिया इज़ रीडिंग अ बुक, यही तो पढ़ा था हमने, रिया इज़ रीडिंग अ बुक. तो जो रिया है, रिया इज़ अ नेम ऑफ अ गर्ल, तो रिया क्या हुआ? नाउन. यानी कि रिया हो गया नेमिंग पार्ट. और रिया के बारे में सेंटेंस का जो बाकी पार्ट बता रहा है कि रिया क्या कर रही है, व्हाट इज़ रिया डूइंग? रिया इज़ रीडिंग अ बुक. रिया क्या कर रही है? बुक पढ़ रही है. तो वो टेलिंग पार्ट है, क्योंकि वो रिया के बारे में है. टेल मीन्स बताना, बता रहा है कि रिया क्या कर रही है. सो रिया इज़ रीडिंग अ बुक. और जो नेमिंग पार्ट होता है उसका एक और नाम होता है. नेमिंग पार्ट को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, SUBJECT. और टेलिंग पार्ट को हम प्रेडिकेट भी कहते हैं, PREDICATE. ओके स्टूडेंट, सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा नेमिंग एंड टेलिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. ओके, थैंक यू.